एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशों की काफ़ी देर से उम्मीद की जा रही थी और अब आखिरकार ये फैसला आया है कि डिलिमिटेशन कमीशन उन्होंने प्रपोज किया है कि कुल मिलाकर 7 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा की बढ़ाई जाएगी जब इसे स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो 6 सीटें जो है वो जम्मू संभाग के लिए प्रपोज की गई है और 1 सीट कश्मीर संभाग के लिए की गई है। यदि हम आंकलन करें कैलकुलेशन का तो यदि ये बढ़ाया जाए, यदि प्रपोज को मान लिया जाएगा तो फिर जम्मू की सीटें 43 हो जाएंगी और कश्मीर की 47। हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया मौजूद है। बलवंत सिंह जी, जो प्रपोज किया गया है यदि ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो किस परिदृश्य से देखते हैं आप? देखिए, अक्सर हमने बार बार जब डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम आई थी उनसे भी मुलाकात की और अक्सर पब्लिकली और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे भी जब हमारी बात होती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि हमको इसको ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़्यादा कश्मीर वर्सेज जम्मू बनाने की, डिलिमिटेशन कमीशन है, कमीशन अपना काम करे और उसमें जो जिस एरिया का टेरेन जो पैरामीटर्स हैं असेंबली की सीट्स बढ़ाने के जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर काम करें, जम्मू के पैरामीटर्स देखें, कश्मीर के देखें, जहाँ की जो बढ़ती हैं तो वहाँ की बढ़ाए, लेकिन यहाँ वर्सेज होता है कि वहाँ की बढ़ाई है तो वहाँ की बढ़ानी है, जबकि आप देखें एरिया जम्मू का ज़्यादा, आबादी ज़्यादा है, हमारा टेरेन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन जितनी भी है वो सबसे उस सब में जम्मू पहले से ही काफ़ी पीछे है, तो जम्मू का राइट बनता था, लेकिन उस इसको पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे जब दिया जाता है तो जम्मू अक्सर मार खाता है। आज भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, भाई एक वहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, भाई हमने कहा कि जैसा जो पैरामीटर्स हैं पैरामीटर के आधार पे दीजिए, पैरामीटर के आधार पे दे तो जम्मू 50 से ज़्यादा भी ज़्यादा क्रॉस करता है, लेकिन आज फिर से वही हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है कि जम्मू को जैसे हम कहते हैं कि हमें जम्मू का मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, कश्मीर का मुख्यमंत्री अक्सर बनता है, जम्मू का बनना चाहिए, तो जो समीकरण बनने जा रहे हैं दोबारा, तो फिर जब सीट उनकी ज़्यादा हैं तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? एक आकांक्षाएं लोगों की ये रहती हैं कि अक्सर जम्मू की, जिस तरह से आपने बोला कि क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ की सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, और उम्मीद ये की जाती है कि जम्मू का मुख्यमंत्री हो, और अक्सर जम्मू के मुख्यमंत्री के फेस में गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा भी आता है, लेकिन जब उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज उसे बदलना था तब उनके द्वारा भी इसी तरह का भेदभाव हुआ था, उस समय भी हमने देखा था कि जम्मू को ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस समय भी बराबर बराबर का दिया गया था। मुझे बिल्कुल याद है जब वो मुख्यमंत्री बने, मैं उनको मुबारकबाद देने गया और मैंने कहा डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करवाइए और ये जो सीट्स का इशू है, ये इंबैलेंस है, पॉलिटिकल इंबैलेंस है, इसको दूर करेंगे, तो मुझे उनके पूरी वर्डिंग याद है, कहते कश्मीर में आग लगवाएंगे क्या जी। तो मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि तो इसका मतलब ये है कि वो भी पॉलिटिकल प्रेशर में थे, उनको भी कश्मीर का प्रेशर था कि कश्मीर में हालात खराब होंगे अगर जम्मू के लोगों, तो ये अक्सर अगर 50 या 70 वर्षों की बात करें तो इसीलिए जम्मू नज़रअंदाज रहा है कि जम्मू को पॉलिटिकल एंगल से देखा है, ना कि बैलेंस नहीं हुआ। जम्मू के एटलीस्ट 50 से भी ज़्यादा बनती हैं, मैं नहीं कहता वो बनती हैं, लेकिन कमीशन अपना प्रॉपर काम करके रिपोर्ट दे के ये है, उसके बाद फिर लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इसने ठीक किया या गलत किया। लेकिन अभी भी एसटी के लिए 9 प्रपोज की जा रही हैं रिजर्व करने के लिए और एससी के लिए 7, और इसके अलावा कहा गया कि अपनी सजेशंस जो है वो दी जा सकती है 31 दिसंबर तक। क्या आप जैसे नेता भी कोशिश करेंगे अपनी सजेशंस दें? जी बिल्कुल। एक तो एसटी का जो रिजर्वेशन है उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम अक्सर असेंबली के अंदर कई बार हमने बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, कई बार बिल्स दिए हैं कि पूरे देश भर में अगर शेड्यूल कास्ट को लिए हमारे कानूनी तरीके से शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन बनती है और उनको मिलती है पॉलिटिकल जो असेंबलीज में मिलती है, तो एसटीज को क्यों नहीं मिलती है? तो उसके लिए कई बार हमने असेंबली के अंदर इशू को उठाया अपने वक्त में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन जो मिली है ये वेलकम स्टेप है, और इसमें जो उन्होंने डेफिनेटली जो उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्शन हैं तो हम भी अपने लोगों के साथ बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्शन जो है फाइल करेंगे हम। इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने अक्सर हमने ये सुना है, उन्हें देखा है कि वो कह रहे हैं कि चुनाव पहले होंगे और स्टेटहुड वापस मिलेगा बाद में मिलेगा, तो फिर ऐसे में डिलिमिटेशन की क्या औचित्य रह जाता है यदि आपने स्टेटहुड इलेक्शंस के बाद ही देना है तो? देखिए, इसको हम ज़्यादा स्टेटहुड और इसको डिलिमिटेशन को हम ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, स्टेटहुड अलग इशू आ गया और डिलिमिटेशन अलग आ गया, लेकिन रहा सवाल इलेक्शन का, तो हम ये कहना चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड हो ताकि जो लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएँ तो उनकी कहीं कोई उनकी कोई इम्पोर्टेंस हो, उनकी सुनवाई हो, तो जिस तरीके से मेरा सवाल ये इसीलिए था क्योंकि आज जिस तरह से पिछले 3 दिनों से PDD एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट पर बैठे, आज आप भी सपोर्ट करने उन्हें पहुँचे हैं यहाँ पर, अब ये लोग और आम जनता भी परेशान है, अपनी जगह परेशान है, आम जनता अपनी जगह परेशान है, उनका ये कहना है कि लोकतांत्रिक सरकार ना होने की वजह से ना तो जनता अपने नुमाइंदों को ढूंढ पा रही है और ना ही ये लोग भी अपना सही तरह से अपनी बात जो है रख पा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तले लोकतांत्रिक सरकार का ना होना उन्हें कमी खल रही है और यदि चुनाव जल्द से जल्द हो तो लोगों की समस्या भी जल्द हल हो सकती है? बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है, अब आप देखिए कि कोई भी
बड़ा मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, एमएलए होगा, मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, तो उसको कोई भी आम आदमी जाके पकड़ सकता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट को नहीं पकड़ सकते। वो थाने में एफआईआर करा के आपको बंद करवाएगा, क्योंकि वो जिस माहौल में ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है उस माहौल में रहा है, उसको उसी हिसाब से चलना है, जो जो पॉलिटिकल सेटअप है जो लीडर को उसी हिसाब से चलना है। तो लोगों की ये लोकतंत्र, लोकतंत्र में तो लोगों की वैल्यू ज़्यादा है ना, लोगों की सुनवाई ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। आज लोगों को लगता है कि यूटी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है, जो जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कमी, और उसी वजह से इस तरीके की हड़ताल जो है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, और जिसका जिसका नुकसान यहाँ हमारे इम्प्लाइज को तो है ही है, प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन आम नागरिक को, आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है इस सर्दी के मौसम में बिजली की वजह से। शुक्रिया सर। ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया जी। साफ तौर से इनका कहना है कि लोकतांत्रिक सरकार का फायदा जरूर होता है, और उसी वजह से मौजूदा समय में यूटी सरकार है, जिसके तहत लोगों को भी अपनी लोकतांत्रिक सरकार की कमी खल रही है, और उसी एवज में जब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी सिफारिशें देता है, बेशक जम्मू रीजन को 6 नई जो कॉन्स्टिट्यूंसी देने की प्रपोजल एक दिया गया है, और कश्मीर को 1 देने की कोशिश किया गया, उसके अलावा जो आंकड़ा बनता है उसमें कुल मिलाकर अभी भी जम्मू को यदि प्रपोज जो है वो मान लिया जाता है, तो जम्मू को 43 और कश्मीर को 47 सीटें जो है वो मिलेंगी। ऐसे में अभी भी जम्मू का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के बावजूद भी उसे उपयुक्त, उसका जो हक है वो नहीं मिल पा रहा, ऐसा बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ शायद और कई नेताओं का और आम जनता का भी मानना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर पहले एक राज्य हुआ करता था जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लद्दाख का हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख अलग यूटी बन चुका है और कश्मीर लगभग आधे से भी आधा हो चुका है लद्दाख के जाने के बाद। ऐसे में उस क्षेत्रफल को मिलाकर जम्मू का क्षेत्रफल कहीं अधिक ज़्यादा बन जाता है, तो उसके बावजूद भी जम्मू में कॉन्स्टिट्यूएंसी 43 होना और कश्मीर में 47 होना अभी भी ये जाहिर करता है कि शायद डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशों के बाद भी जम्मू के संभाग के लोगों की जो ये शिकायतें हैं कि जम्मू वर्सेस कश्मीर में हमेशा कश्मीर भारी रहता है, तो शायद ये डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशों के बाद अभी भी कश्मीर ज़्यादा भारी रहेगा। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।